अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सूडान में फौजी बगावत के बाद वजीर आजम को घर में नज़रबंद कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडान के वज़राए अतलात ने फौज की जनब से वजीर आजम अब्दुल्ला हमदाक को नज़रबंद करके नामालूम मकाम पर रखे जाने की तस्दीक की है। सूडान के मकामी मीडिया का बताना है कि फौज ने काबिनिया के मुतादिक अरकान को भी हिरासत में ले लिया है, जबकि खरतूम के गवर्नर और दीगर अकाम को भी हिरासत में ले लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडानी वजीर अतलात ने FPP गुफ्तगू में तस्दीक की कि वजीर आजम के मीडिया एडवाइस मालक के सलामती कौंसिल के तर्जमान और दीगर अकाम को गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडान में फौजी बगावत के बाद इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल किए जाने की इतलात है। मुल्क में 34% तक इंटरनेट सर्विस बहाल है। मीडिया के मुताबिक फौज की जानिब से शहरियों को घरों में बाहर ना निकलने की हिदायत की है। तमाम फौजी बगावत के बाद शहरों में अवाम की जानब से कौमी परचम के साथ एहतजाज किया, जबकि दारा हुकूमत खरतूम में एहतजाजी मुजाहरीन ने टायर चलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी हैं।